मसूदपुर हरजन बस्ती में कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद लोगों के लिए बना रही है खाना। जी हां, कांग्रेस के द्वारा राजधानी दिल्ली में कांग्रेस रसोई चलाई जा रही है, जिसको लेकर मसूदपुर हरजन बस्ती में रहने वाली पूर्व कांग्रेस की निगम पार्षद ओमवती भी लोगों के लिए खाना बना रही हैं। तकरीबन रोजाना 400 से 500 लोगों को यहां पर जो खाना है वो वितरण किया जाता है। इस कार्य में उनके परिवार के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो लोग भी जुटे हैं, क्योंकि खुद जो निगम पार्षद हैं एक महिला हैं। पूर्व निगम पार्षद के दायित्व के साथ साथ वो एक महिला हैं, तो खाने में किसी तरीके की कोई भी गड़बड़ी ना हो, इसलिए वो खुद भी इस कार्य में लगती हैं और लोगों के लिए जो खाना है वो बनाती हैं। हालांकि इसमें जो पुरुष हैं वो भी यहाँ शामिल हैं, साथ ही साथ महिलाएँ वो भी शामिल हैं, वो भी अपनी भागीदारी यहाँ पर निभा रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी को लेकर हर पार्टी के लोग अब आगे आ चुके हैं, चाहे समाज सेवा लोग हों चाहे पार्टी के लोग हों, हर पार्टी की जिम्मेदारी बन रही है कि वो अपने अपने क्षेत्र में हर ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाएं, और इसी वजह से कांग्रेस रसोई जो है वो चलाई जा रही है। तस्वीर हम आपको दिल्ली के मसूदपुर के हरजन बस्ती की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस की पूर्व निगम पार्षद ओमवती जो अपने कार्यकर्ताओं अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर जो खाना है वो बना रहे हैं। उसके बाद ये जो खाना है ज़रूरतमंद लोगों को वितरण किया जाता है। तकरीबन रोज़ाना 400 से 500 परिवारों को जो ये खाना है वो दिया जाता है, और अलग अलग तरीके से रोज़ जो खाना है वो बना जाता है। आप देखिए कभी चावल दाल रोटी हर तरीके की जो चीज़ें हैं वो बनती हैं, और अभी जिस तरीके से कांग्रेस का जो दायित्व है कि हर ज़रूरतमंद तक खाना पहुंचाया जाए, और वो दायित्व जो है उनकी पार्टी के चाहे प्रेजेंट के नेता हों या पूर्व निगम पार्षद हों, सभी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में इस जरूरत का जो काम है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के मसूदपुर इलाके की हरजन बस्ती की, जहां पर पूर्व निगम पार्षद ओमवती जो है लोगों के लिए खाना बनाती हुई नज़र आ रही हैं। 23 तारीख से हम लोग कांग्रेस की रसोई चला रहे हैं, उसमें हम कभी दाल चावल, कभी छोले चावल, कभी खीर और रोटी और राजमा, कभी हम हरी सब्जी डाल के वो बना देते हैं, बिरयानी बना देते हैं, कभी हम चने की दाल डाल के खिचड़ी बना देते हैं। क्या लगता है कि इस लॉकडाउन में जिस तरह से लोग ज़रूरतमंदों को जो है कांग्रेस द्वारा ये रसोई, कितना फ़ायदा है उनके लिए और क्या कहेंगे? जी, गरीब आदमी का बड़ा फ़ायदा हो रहा है, जिस तरह से लोगों की यहाँ लाइन लगती है और ये कहते हैं जी अब मतलब पहली बार हमें यहाँ खाना मिलना शुरू हुआ है, 1-1.5 महीने में हमें कोई लोग पूछने नहीं आए, और बहुत आप मतलब इतनी लाइन लग जाती है कि हमारा पूरा परिवार खड़ा हो जाता है कंट्रोल करने के लिए। मसूदपुर में काफ़ी जो है ज़रूरतमंद लोग हैं, मजदूर लोग भी काफ़ी हैं, हरिजन बस्ती में कितने लोग आते होंगे करीबन और कितने लोग खा के जाते हैं? हरिजन बस्ती में करीब 450 से 500 लोग खाते हैं, लेकिन उसमें हमने क्या कर रखा है कि ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि हमें थोड़ा बचाव भी करना ज़रूरी है, तो इसलिए हम पहले पूछ लेते हैं कितने मेंबर हैं आपके घर में, वो कहते हैं 5 तो हम 5 का खाना दे देते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम 3 हैं तो हम 3 का एक ही जने को खाना दे देते हैं, ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और लोगों को अच्छे से खाना मिल सके। क्या कहेंगी मैम, जिस तरह से ये कोरोना महामारी चल रही है पूरे देश में जो है लोग आगे बढ़कर जो है कांग्रेस पार्टी भी लगातार कांग्रेस रसोई द्वारा जो है लोगों की सेवा करिए, कब तक चलती रहेगी और आगे कब तक? जी, जब तक हमारी सोनिया गांधी जी, जो हमारी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी हैं, माननीय श्री हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी जी, जब तक उनका दिशा निर्देश रहेगा हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे, गरीबों की सेवा करते रहेंगे। आप जो है पहले भी यहाँ पे पूर्व पार्षद रही हैं, आप लगातार जो है लोगों की सेवा कर रही हैं, अभी पूर्व पार्षद हैं आप, आपके साथ जनता काफ़ी जुड़ी हुई है, तो क्या लगता है जिस तरह से आप लोग सेवा कर रहे हैं लोगों को आशीर्वाद मिलता है? बहुत अच्छा मतलब आशीर्वाद मिल रहा है, और एरिया के दूसरी जगह से भी मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि दीदी आप हमारे हम मतलब आपने हमारी 5 साल इतनी सेवा की है, जब आप निगम पार्षद थे तो आप घर घर आके पूछते थे, खैर चलो ये है कि आज हम मिल नहीं सकते एक दूसरे से, लेकिन हमें भी कुछ मदद भिजवाओ, तो मैं उसके तहत भी उनका भी लिए भी हम कुछ सोच रहे हैं कि हम कैसे भेज सकें वहाँ, क्योंकि हमें अपना भी बचाव करना है, और साथ में जो अभी रमजान का महीना शुरू हो गया है इसमें आज शाम से हम सोच रहे हैं कि कुछ मतलब जैसे लोग है जिन्होंने रमजान रखा हुआ उन तक भी हम थोड़ा सा कुछ भेजें, जैसे यानी आपने रमजान के लोगों के लिए भी ध्यान में रखा हुआ है, उनके लिए भी खाना बन रहा है जी, उसमें हम खीर पकौड़े या फ्रूट वगैरह हम उनको वितरित करेंगे। क्या कहना?